लागू नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में कह दिया है कि नहीं लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, तो पंचायत वाले ग्राम सभा नहीं, आपने जी गांव ना आदमी दे है ने जी बात करे कादिरो करे वडारो करे, ये ग्राम सभा अपने बनावने पड़े गावने वाला समय में, चाहे संविधान में लकीली में ये बनावो ते ने चाहे अपने परंपरागत ग्राम सभा बनावो ते। तो जी संविधान में पांचवी अनुसूची में जी लकीलो है, पांचवी अनुसूची का जी अधिकार है, या नेते आज तक कांग्रेस वाले लागू किया ने बीजेपी वाले लागू किया, यू मन से ही राजनीतिक नहीं है, पर हमारे हाथी जो है भूल की दू है, चाहे कांग्रेस में चाहे बीजेपी में हमें गाली जरूर पड़ेगा, ये हमें हर सभा में कह रही जो हर मीटिंग में कह रही जो हमें किनके आदिवासी आते खुले नहीं आज तारीख में, आज देश में जो है तो जंगल में 11 लाख आदिवासी बनने का डालो जी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश आज फरमान आज जो अना फरमान में अपने 47 सांसद पूरा देश का आदिवासी से साड़ी ने हाथ आदमी साड़ी ना हाथ आदमी वो सांसद में जाके खाली चार सदस्य के लिए गए हैं वो लोग। तो ये जो हमारा आदिवासी का जाति पड़ा पत्र लगा के सर्टिफिकेट लगा के जो संसद में गए हैं वो सिर्फ और चार सदस्य खाने के लिए गए हैं, इसलिए इस इलाके से आप हम लोग इस बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने वैसे भी किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन दिया है, तो बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम लोग कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में एक महीने के अंदर जो चुनाव होंगे उस चुनाव में ऐसा सांसद भेजना है जो दिल्ली में जाके बोले कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट लागू करो, पांचवी अनुसूची संपूर्ण रूप से लागू करो, आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको बंद करो, आदिवासियों के जन जंगल जमीन का अधिकार 100% दिया जाए, और इस देश के अंदर जितना भी संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है संविधान को जलाया जा रहा है, उस संविधान को जलाने वाले सबसे बड़े देशद्रोही है। आज आदिवासी अपना अधिकार की बात करता है तो उसको नक्सलवाद कहा जाता है, अपने इलाके में नक्सलवाद जैसा कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी वाले बार बार नक्सलवाद शब्द यहाँ पब्लिश करना चाहते हैं ताकि इस इलाके में अशांत इलाका घोषित हो जाए। अगर कोई देश का दूसरा दलित आदिवासी दलित लोग एससी लोग अपने अधिकार की बात करते हैं तो उसको जातिवाद का नाम दिया जाता है, कोई और एक दूसरा समुदाय है मुस्लिम समुदाय वो अगर बात करता है तो उसको आतंकवाद का नाम दिया जाता है। इस देश के अंदर 3 समुदाय है जो समुदाय सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, और इस देश का मूल निवासी मूलवासी इस देश का मालिक आदिवासी है, वो 5 जनवरी 2011 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा है, लेकिन आप में मालिक का जागेगा ही नहीं, आप मालिक बनोगे ही नहीं, तो नौकर बन के रहने का काम जो राजनीतिक पार्टियां कर रही है वो काम आप लोगों को निकाल देना होगा, बाहर कर देना होगा। इलाका में इस इलाके में शायद वो भाई है इसलिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा, मैं भिली नहीं बोल पाऊंगा थोड़ा सा क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो